मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है, हम माँ गंगा की गोद में है और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, देश के बड़ा प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माँ गंगे। जय महाकाल। कैसे हैं आप? मैं वैसा ही हूँ जैसा चुनाव प्रारंभ हुआ उसके पहले था। ये चुनाव आपके लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है? कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण होना ही चाहिए और हर व्यक्ति के जीवन में हर दिन महत्वपूर्ण होना चाहिए, हर पल महत्वपूर्ण होना चाहिए हर किसी के लिए। मैं हर एक को कहूंगा कि ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, फर्ज कीजिए कि अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तीसरे टर्म में, तो वो पहली चीज क्या होगी? मैं हैरान हूँ आप इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रही हो, माँ गंगा के किनारे पे खड़ी हो पूरा देश आप घूम करके आई हो, देश में आप लोगों से मिली हो, आपने देखा है। ये चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है जी, ये चुनाव 140 करोड़ देशवासी लड़ रहे हैं और जो मनोभाव लोगों के देखे हैं, मेरा बहुत लंबा अनुभव है चुनावों का, जनता के मिजाज का अनुभव है, उनका तजुर्बा मैं समझ सकता हूं। तो ये चुनाव से भी काफी ऊपर की अवस्था है, ये वोट देकर के छूटने वाली अवस्था ही नहीं है, वोट दिया और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ऐसा नहीं है। वो मोदी से जुड़ चुके हैं और अधिक जुड़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि देश ने कई सरकारों के मॉडल देखे लेकिन भाजपा ने एक ऐसा मॉडल दिया है जिसमें आधुनिक भारत का संकल्प भी है, सपने भी है और जिसमें साफ साफ देश के सामान्य मानवी जो 70-75 साल से इंतजार कर रहा था, जिसको लगता था कि आजाद होने के बाद ये सब उसे मिल जाएगा, उसको मिला नहीं, वो देने का काम आज मोदी कर रहा है। और इसलिए मुझे जो जमीनी सच्चाई है वो मेरे साथ जुड़ चुकी है और जो खास करके युवा जनरेशन जिसने बुरे दिन देखे नहीं थे 2014 के पहला, जिसने उसको 5-7-10 साल की आयु का था, उसको लगता है यार स्पेस में रिफॉर्म हो रहा है, चंद्रयान हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, स्टार्टअप हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने वाला है, फार्मा का हब बनने वाला है, ये उसको लगता है ये तो बिल्कुल दुनिया के लिए हमारा सब कुछ खुल जाएगा। जब वो देखता है कि हम मोबाइल फोन इम्पोर्ट करते थे और जब वो सोचता है कि यार दुनिया में हम सेकंड नंबर पर हैं मोबाइल एक्सपोर्टर के रूप में, तो मेरा नौजवान अपने सपनों को मेरे सफलताओं के साथ बुन रहा है वो, और बुन करके वो ऐसा धागा बना रहा है जिस धागे के कारण उसको अपने भविष्य की गारंटी दिखती है। इतना कॉन्फिडेंस, आप लबरेज हैं कॉन्फिडेंस से, मतलब आपको नर्वसनेस जरा भी नहीं है? पहली बात है शायद वो मेरी डिक्शनरी में शब्द नहीं है नर्वसनेस। दूसरा, मैंने जीवन तपस्या की है जी, मेरा पल पल मैंने खपाया है, देशवासियों के लिए खपाया है, अपने लिए नहीं खपाया है, और मैंने इनके लिए इतने खपाया कि मुझे मालूम है कि बहुत ही डिजर्विंग लोग हैं, इनके साथ 70 साल तक अन्याय हुआ है और जब उनके आंसू कोई पूछता पहुंचता है, उनके टॉयलेट की कोई चिंता करता है, वो भूल नहीं सकता है। कोरोना का कठिन काल चूल्हा बुझने नहीं दिया था, बच्चों को भूखा सोने नहीं दिया था, क्यों? एक सरकार थी जिसने कहा था अनाज के भंडार पड़े हैं लेकिन हम दे नहीं सकते हैं, एक ये सरकार है जिसका संकल्प है किसी का घर का चूल्हा मैं बुझने नहीं दूंगा। ये जो इमोशनल साइड है आपका, 15 साल से ज्यादा वक्त गुजरात में,
10 साल यहाँ केंद्र में एक बहुत ही कड़े प्रशासक के तौर पर आपकी एक इमेज जो है निकल कर आई है, लेकिन हाल के दिनों में ये दिख रहा है कि आपका एक कोमल मन है जो रह रहकर बाहर आ जाता है। आप बहुत इमोशनल आदमी है लेकिन उसे दुनिया से छुपाते हैं। ऐसा है कि अब टीवी का जमाना है तो लोगों को पता चल जाता है। ये कोई बाद में आई हुई चीजें नहीं होती हैं, जन्मजात होती हैं। और वो शायद मेरी स्ट्रेंथ भी है, दुनिया के नजरों में वो वीकनेस भी है और विरोधियों के लिए ताना मारने का एक अवसर भी है। लेकिन मैं इन सबसे परे हूं। मोदी आपका बच्चा है, आपने इसको बना बनाया है, आपने उसको पाल करके बड़ा बनाया है। कुछ कमी रह गई मैं ठीक करूंगा, अच्छा होगा तो आगे बढ़ाऊंगा। मैंने दो पर्सनालिटीज आपकी बताई, एक तो बेहद इमोशनल, एक कड़ा प्रशासक, लेकिन आपके विरोधी इन दोनों के इतर एक ऐसी इमेज आपकी उकेरते हैं जिसमें आप ऑटोक्रैट है, तानाशाह हैं, जहां आपके कोई राजनीतिक साथी साथ नहीं होते हैं, आप किसी का साथ पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये आदमी क्या समझेगा परिवार, इसका तो परिवार ही नहीं है। सचमुच में सवाल उनको पूछना चाहिए कि आप देश के लिए निकले हो, परिवार के बाहर कब निकलोगे, ये सवाल उनको पूछना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी का पूरा कैंपेन फैमिली कैंपेन बन गया है, बाकी सारे दल इंडिया अलायंस के हैं। आप तमिलनाडु देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप कर्नाटका देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप आंध्र देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप तेलुगु तेलंगाना देखिए, परिवार कैंपेन। आप उत्तर प्रदेश देखिए, दो परिवार कैंपेन कर। जम्मू कश्मीर देखिए, दो परिवार कैंपेन कर रहे हैं। सवाल मीडिया के उनको होने चाहिए कि क्या हुआ कि इतने साल के बाद भी आप परिवार से बाहर निकल क्यों नहीं पाते हो। मैं परिवार से जुड़ा नहीं हूं, ये गुना नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। ये लोकतंत्र की सबसे ऊंची अमानत है कि जो इंसान अपने परिवार के लिए नहीं जीता है, जो इंसान देश को अपना परिवार मानता है, मेरा भारत मेरा परिवार, उसके लिए जीता है। अब ये क्वेश्चन मार्क लग जाए तब मुझे होता है कि क्या इरादे होंगे। हम ज्यादातर उन जगहों पर जाते हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में है। पहले आलम अलग था, और आज की तारीख में मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकती हूँ कि ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, बड़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं। बावजूद उसके आप उस धारणा को तोड़ने में क्या नाकामयाब रहे हैं कि मोदी मुसलमानों का नहीं है? पहली बात यह है कि ये मुद्दा मुसलमान का नहीं है। इंडिविजुअल मुसलमान कितना ही मोदी के साथ होगा, लेकिन एक निश्चित विचार प्रवाह है जो उनको आदेश करता है कि आप ये करो या आप वो करो, उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं। जहां तक मोदी का सवाल है, एक तो मैं स्कूल में, एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार है, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्यौहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों की, ताजिए के नीचे, हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा हूँ, आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने। दूसरा, 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। तो मैंने सोचा भाई जरा रियलिटी जाननी चाहिए, तो मैंने हमारे 30 कार्यकर्ताओं का, युवाओं का,
एक ट्रेनिंग कैंप किया और उनको सर्वे करना सिखाया मैंने। सर्वे मतलब वो आंकड़ों वाला सर्वे नहीं, बातचीत कैसे करनी, बात कैसे निकालनी। अहमदाबाद में एक माणिक चौक करके जगह है, वो माणिक चौक में शाम को लोग खाना खाने जाते हैं, खावा नोने पीने, पर वहां दिन में जो बिजनेस है सारे व्यापारी हैं और खरीदार सारे हिंदू है। बड़ा यूनिक सा मार्केट है, मतलब सारे व्यापारी मुसलमान, सारे व्यापारी मुसलमान हैं और सारे खरीदार हिंदू है। और वो इतनी भीड़ होती है जी, पैदल नहीं चल सकते आप, साइकिल को तो लेके जाना इम्पॉसिबल है। अब दिवाली में बड़ी बहुत है ना, आप अंदर गए 2 घंटे से निकल नहीं सकते और हर प्रकार की चीजें बिकती है वहां। मैंने कहा मुझे उसी मार्केट में सर्वे करना है, वहां सर्वे करो। तो मैंने लड़कों को भेजा और मैं डेली रिपोर्ट लेता था। वो गए, पूछते थे कि आप बताइए दिवाली कैसी है। नहीं यार दिवाली बहुत अच्छी है, ये मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं अभी आपसे पूछने वाली थी, 2002 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। बोले दिवाली बहुत अच्छी है। फिर वो कहता था उसको जरा चुभने के लिए, वो कहता था ठीक है मोदी बैठा यार दिवाली, हे मोदी का नाम मत लो। ये बच्चा होता था उनका, बोले इसकी माँ सुनेगी ना तो मुझे रात को खाना नहीं देगी। बोले क्यों? अरे बोली मोदी नहीं आया था तब तक ये स्कूल नहीं जाता था, बोले मोदी आया तो स्कूल जा रहा है, ये दिवाली की छुट्टी है तो मेरे यहाँ दुकान पे मेरी मदद कर रहा है। बोले पहले कभी दुकान पे नहीं आता था, बोले मेरा सर फूट जाता था। बोले उसकी माँ इतनी खुश है कि मेरे बच्चे सब उनका जीवन बन रहा है। तो बोले मोदी के खिलाफ मेरे यहाँ घर में मत बोलो। बोले और करीब करीब 90% दुकान वालों का तर्क अलग अलग होंगे, यही जवाब था। दूसरा, मुझे कुछ महिला एक बार मिल जाएगी, मुस्लिम महिला, तो बड़ी बधाई दे रही थी, फिर कुछ अपेक्षाएं लेकर के आई थी। मैं कहा क्या बधाई? बोले वो जुहापुरा की थी और जुहापुरा वो है जहाँ करीब 3-4 लाख मुसलमान का एक घेटोज है। तो बोले हम वहाँ से आए हैं। मैंने कहा कोई तकलीफ है क्या, कोई पुलिस वाला, कोई सरकार कुछ हैरान करती है आपको क्या? नहीं नहीं बोले साहब, हम तो आपके अभिनंदन करने आए हैं और कुछ काम लेके आए। मैं बताइए। बोले आपने बिजली का काम किया ना, बहुत अच्छा किया। मैंने कहा वो तो मैंने बहुत बुरा किया है। मैंने कहा मैंने 35 किलोमीटर केबल उस इलाके 35 किलोमीटर केबल उखाड़ के फेंक दिया है और वहां कोई सरकारी आदमी नहीं जा पाता था। बोले साहब वही अच्छा काम किया है। मैंने कहा कैसे? मैंने तो बिजली काट दी, मैंने तो केबल काट दिए। बोले नहीं साहब, हमारे यहाँ आपका तो एक बोले बिजली मंत्री है। हाँ। हमारे यहाँ हर मोहल्ले में बिजली मंत्री है और बोले बिजली दे करके वो हमसे पेमेंट लेते थे, केबल उनके थे। बोले सरकार की बिजली चोरी करके हमको बेचते थे और हमारे पैसे बहुत जाते थे। बोले अभी रेगुलर बिजली मिल रही है, कोई हमें दादागिरी नहीं करता है। बोले इसलिए हम आए हैं। पहले मेरे पर अखबारों में उस समय अखबार मोदी ने वहां पर जुल्म कर दिया, सारे केबल काट दिए। एक्चुअली मैंने उनका भला किया। तो ऐसा मेरे जीवन में सैकड़ों घटनाएं हैं जी, लेकिन मैं इसका मार्केटिंग नहीं करता हूं। क्यों? मेरा पहले से मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। मैं वोट बैंक के लिए काम नहीं करता हूं जी, और जो गलत है वो सब मैं गलत कह के रहूंगा। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? मैं हैरान हूं जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला मैंने अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको, सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा, आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। अगर मैं घर देता हूँ, मैं सैचुरेशन की बात करता हूँ, 100% डिलीवरी, इसका मतलब हुआ
गांव में मानो 200 घर है, कौन समाज है, कौन जाति है, कौन धर्म है, नौ, उन 200 घर में अगर 60 लाभार्थी हैं तो उन 60 लाख लोगों को मिलना चाहिए। और जब मैं 100% सेचुरेशन का मतलब होता है वो सच्चा सामाजिक न्याय है, वो सच्चा सेकुलरिज्म है, जब आप उसमें करप्शन की भी संभावना नहीं रहती। क्या आपको मालूम है, भले उसको मंडे को मिला है ना, अगले मंडे को मेरा नंबर लग जाएगा। नहीं, इस बात की गवाह तो मैं भी हूँ। हाँ। मुसलमान ये बात कहते हैं। हाँ। और ये मानते हैं कि उनके घर पे सड़क आई है, बिजली आई है, उनके घर पे सिलेंडर आया है, शकीला और शकुंतला में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। हाँ। और ये रहा आपका नमो घाट। कैसा लगता है जब आप ये देखते हैं तो? कैसा लगता है ये बदलाव? पहली बात है कि मैं मानता हूँ कि काशी में घाट और काशी की पहचान है, लेकिन उसमें आधुनिकता होनी चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और उसमें से मुझे एक ये नमो घाट बनाने का विचार आया। और इन दिनों शाम को बहुत बड़ी मात्रा में लोग यहाँ आते हैं, तो वो पुराना और इसको जोड़ करके देखते हैं। और मैंने उस पुरानी परंपराओं को भी बचा के रखा है और मैंने उसको आधुनिक रूप भी दिया है, विरासत भी। और लगातार लगातार गंगा को नमन, यहाँ क्यों आते हैं, नमो गंगा, ये नमो गंगा है। अच्छा ये बताइए, मेरे दो क्विक आखिरी सवाल है। पहला तो ये कि ये कहा जाता है कि 400 पार अगर मोदी ले आएगा तो फिर विपक्ष क्या करेगा, विपक्ष एक मजबूत स्थिति में होगा तभी तो लोकतंत्र चल पाएगा। आप क्यों चाहते हैं कि सब आप ही के पास आ जाए? मैं चाहता हूं कि विपक्ष मजबूत बने, मैं इसी के लिए मेहनत कर रहा हूं। लेकिन मजबूती का मतलब ये नहीं कि हाउस न चलने दे, उड़दंग करे, अनडेमोक्रेटिक वे में काम करे। भारत का दुर्भाग्य है कि पिछले 10 साल ये लोग पूरी तरह विपक्ष के रूप में भी फेल गए। उनके खाते में विपक्ष के नाते काम किया एक काम नहीं है। जो लोग विपक्ष में फेल गए वो शासन में कैसे सफल हो सकते हैं? और भारत में मजबूत लोकतंत्र की बहुत आवश्यकता है, मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। और इसलिए शरद पवार ने एक अच्छा सुझाव दिया है और मैं उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने सुझाव दिया है कि सभी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस में मर्ज कर देना चाहिए। कांग्रेस में मर्ज करना नहीं करना, कहां करना, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन इसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, अगर ये मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि उनको चिंता ये है कि इस चुनाव में मान्य विपक्ष संभव नहीं होगा, इतने सीटें भी नहीं आएगी कोई रिकग्नाइज अपोजिशन बने, और इसलिए अगर मर्जर कर देंगे तो नंबर थोड़ा हो जाएगा तो हम मान्य विपक्ष बनेंगे। दूसरा, आपको आश्चर्य होगा, मैंने कानून में परिवर्तन किया था। हमारे यहाँ बहुत सी योजना ऐसी है, बहुत सी कमेटियाँ ऐसी है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन बैठ सकता है और बड़े महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। तो मैंने कानूनी परिवर्तन किया कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं, क्योंकि 2014 से 2019 तो उनके पास सीटें नहीं थी। मैंने कहा लार्जेस्ट पार्टी का लीडर उसको बिठाओ, मैं इतना डेमोक्रेट हूँ, वरना मैं नहीं बिठा था, मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने किया है। मुझे पता है वक्त की कमी है, लेकिन पिछली बार जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सवाल पर बहुत खिल्लियाँ उड़ाई थी, लेकिन वो सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि खेत में गन्ना काट रही एक औरत ने मुझसे ये कहा था, और आज फिर मैं वो सवाल आपसे पूछूंगी। 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं है, आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ, गलत हो सकता हूँ, लोग आलो लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे, मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है, ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है इसलिए मुझे विधा भी दी है, इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है, इसलिए मुझे नेक दिली भी दी है, और प्रेरणा भी वही दे रहा है।
पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी दे रहा है और मैं कुछ नहीं हूं, एक इंस्ट्रूमेंट हूं जो ईश्वर ने मेरे रूप में मुझसे लेना तय किया है। और इसलिए मैं जब भी कुछ करता हूं तो मैं मानता हूं शायद ईश्वर मुझे करवाना चाहता है कि आपका नाम होगा, चिंता छोड़ो, मैं सिर्फ ईश्वर को समर्पित हूं। दूसरा, लेकिन उस ईश्वर को मैं देख नहीं सकता हूं, तो मैं भी एक पुजारी हूं, मैं भी एक भक्त हूं। तो मैंने 140 करोड़ देशवासियों को ईश्वर का रूप मान करके चलता हूं, वही मेरे भगवान है। आप भगवान के बीच में हैं और भगवान आपके साथ है, माँ आप में समाई हुई है, आपको खूब सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 जून को फिर हो सकता है आपसे मुलाकात हो, क्या रखिएगा। धन्यवाद जी, थैंक यू।